जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की लंबे समय से हो रही शिकायतों को देखते हुए नवागत कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मंगलवार को सुबह करीब 10:30 पर जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डों में जाकर व्यवस्थाएं देखी और साफ सफाई का जायजा लिया। जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ने गैर जिम्मेदार डॉक्टरों व स्टाफ को फटकार लगाई। कलेक्टर ने कहा कि लापरवाह डॉक्टरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर समय पर आए और मरीजों का इलाज करें। जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं देखकर कलेक्टर ने खासी नाराजगी जताई। करीब एक घंटे तक जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कलेक्टर ने सिविल सर्जन से कहा कि 2 दिवस के अंदर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं सुधार ले। 2 दिन बाद आकर देखूंगा कि जिला अस्पताल में कितना सुधार हुआ है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी नवागत कलेक्टर ने जानकारी ली। इस दौरान SDM प्रियांशु भवर, CMO अरुण पटेरिया, सिविल सर्जन RS त्रिपाठी मौजूद रहे। किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली? अस्पताल का निरीक्षण आज यह है, देखने के लिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किए गए हैं। सारे वार्डों का इंस्पेक्शन आज किया है। निर्देश डॉक्टर्स को सिविल सर्विस को दिए हैं, इनके लिए उनको टाइम भी दिया है और एक हफ्ते बाद जो भी ऐसी जरूरत है इसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो फिर वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है। तो मैं रेगुलर विजिट इस हॉस्पिटल का करूँगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं जो जिसके डॉक्टर्स हैं अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर तरीके से मिलें। सर आज मेन समस्याएं कौन सी सामने आई हैं आपकी? अभी तो क्योंकि नया शिफ्ट हुआ है तो उसमें काफ़ी ज़रूरत है काम कराने की। सर वो हम लोग कराएंगे। सर जैसा कि देखा गया है यहाँ पे रेबीज के इंजेक्शन वगैरह नहीं है, एक महीने से मरीज का परेशान हो गए हैं तो अभी तो दिया है उन्होंने डॉक्टर साहब। डॉक्टरों की ना मिलने की शिकायत है, डॉक्टर समय पर नहीं आते, बैठ मुझे दिख जाएगा तो फिर कार्रवाई होगी। जो नहीं आएंगे अगर नौकरी करना है तो ठीक से करें, नहीं करना सर है तो उनको डिसीजन। आपने भी कई मरीजों के परिजनों से भी कहा है कि ज़्यादा लोग बैठे हैं उस कारण से अव्यवस्थाएँ फैल रही हैं, गंदगी भी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जनता से? मैं आप सबके माध्यम से जनता है और जो मरीज आए हुए हैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अस्पताल आपका है, मरीज आपका है, अगर आप लोग उसको ठीक रखेंगे तो आपके पेशेंट्स को ही सुविधा होगी, जिसमें डॉक्टर्स का सुविधा करने वाला है। अगर जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखोगे तो जो आपका मरीज है उसको ठीक होने में उतना कम वक्त लगेगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, यहाँ की जनता से अनुरोध करूँगा कि हाँ देखिए जगह जगह जो थूक रहे हैं कहीं पर भी थूक देते हैं, पान थूक देते हैं, उससे कृपा करके बचें। डस्टबिन है या जो इस तरह की जगह है वहाँ पर उसका उपयोग करें, गंदगी इधर उधर ना फेंकें। सर देखा गया असामाजिक तत्व भी शिफ्टिंग की बात हो रही है, वो उस पे क्या एसएनसीयू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एरिया है, उसको वेंटिलेटर नहीं है सर, एसएनसीयू में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो बता रहा हूँ ना कि जो एसएनसीयू शिफ्टिंग होगी उसमें सारी चीज़ें। थैंक यू सर। आर्ट इंडिया न्यूज़ के लिए छतरपुर से मुरसलीन खान की रिपोर्ट।